Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna go. टेक्नोरिज में आपका स्वागत है। आइए नवंबर के महीने में अगर आपकी बजट 10 और 15 हजार के बीच में, आप एक बढ़िया स्मार्टफोन की तलाश में थे, मैंने आपके लिए यहाँ पर तीन फोन्स लाया हूँ जो बहुत ही अंडररेटेड है और वैल्यू फॉर मनी है। वैसे ऐसे वीडियोस हर महीने हम लेके आते हैं, तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आप अभी कौन सा स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं या कौन सा स्मार्टफोन परचेज करने वाले हैं। वैसे बहुत सारे फोन्स होते हैं लेकिन मेरे हिसाब से ये तीन फोन्स मैं आपको अपनी तरफ से रेकमेंड करता हूँ। सबसे पहला जो फोन है वो है सैमसंग गैलेक्सी M32। अब इसको रेकमेंड करने की बहुत बड़ी वजह भी है। पहले तो आपको बता दूं, हमने बीच में पोल भी रखा था, आपसे पूछा था कि आप सबसे ज्यादा कौन सी ब्रांड को ट्रस्ट करते हैं। सबसे ज्यादा वोट्स आए थे सैमसंग को, तो पहली वजह तो यही आ जाती है कि भाई ब्रांड वैल्यू है। और ये 13,000 से इंडिया के अंदर मिलता है, 4GB RAM, 64GB स्टोरेज, इसका हाइयर वाला भी मिलेगा 6128। इसमें आपको 6.4 इंच की फुल HD प्लस वाली यहां पर एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है विद 90Hz रिफ्रेश रेट। इस प्राइस पर ये पहला फोन है जो आपको सुपर एमोलेड के साथ फुल HD प्लस और 90Hz रिफ्रेश रेट दे रहा है। यहां पर 800 nits की आपको डिस्प्ले में पीक ब्राइटनेस भी मिलती है, डिस्प्ले बहुत ब्राइट है, एमोलेड है तो कलर्स भी काफी पंची वगैरह होते हैं और वीडियो जो एक्सपीरियंस होगा मल्टीमीडिया वगैरह का वो एकदम कमाल का होगा प्राइस के हिसाब से। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी यहां पर अच्छा है, सैमसंग वन यू 3.1 वगैरह चलता है, एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स है, ऑल्ट जी सिक्योर्ड बाय नॉक्स, तो प्राइवेसी सिक्योरिटी का भी सैमसंग ने यहां पर ख्याल किया है और ऑनेस्टली सैमसंग के सॉफ्टवेयर थोड़े बेटर होते हैं। उसी के साथ बैटरी भी अच्छी है, 6000 mAh की बैटरी है, यहां पर बैकअप आपको बहुत अच्छा मिलेगा लेकिन चार्जिंग स्लो है, 15W उन्होंने दिया है लेकिन स्टिल फिर भी एक बार अगर फुल चार्ज हो जाता है तो आपको बैकअप बहुत अच्छा मिलेगा। कैमरा भी दोस्तों अच्छा है, बहुत सारे फोन्स इस प्राइस पर कैमरे में मार खा जाते हैं लेकिन नहीं, यहां पर सैमसंग के कैमरा जो होते हैं उनके फोन्स में ऑप्टिमाइजेशन अच्छी होती है। 64 MP आपको कैमरा मिलता है प्राइमरी रियर के अंदर, जी हाँ, और अल्ट्रावाइड सेंसर भी उन्होंने दिया है, तो ये भी एक यूजफुल चीज उन्होंने ऐड करी है। बाकी के 2-2 MP वो चिपका दिया, उसकी जरूरत नहीं थी लेकिन स्टिल दो इंपॉर्टेंट आपको सेंसर यहां पर मिल जाते हैं और फोटोज काफी अच्छे लेता है। मैं से हवे में नहीं बोल रहा, हमने अनबॉक्सिंग किया था, आपको कार्ड देता हूं आप देख लीजिए। और 20 MP की सेल्फी भी है, तो प्राइस के हिसाब से सेल्फी भी दोस्तों आपको अच्छी मिलती है, ऑप्टिमाइजेशन यहां पर उन्होंने अच्छी किया है। साथ में परफॉर्मेंस की बात करें तो यहां पर आपको मिलता है मीडियाटेक हीलियो G80। ये डिसेंट चिपसेट है, मैं उसको बुरा नहीं कहूंगा, मैं डिसेंट कहूंगा और एक्सीलेंट भी नहीं कहूंगा क्योंकि इस प्राइस पर हमें और बेटर चिपसेट वाले फोन्स मिल जाते हैं। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है कि ये एक साल में दो साल में मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, नहीं, वो हीलियो P22 और वो सब की कैटेगरी का नहीं है, ये मीडियाटेक की जी सीरीज वाले चिपसेट से ये अच्छी चलती है। इनफैक्ट अगर आपको गेम्स भी खेलना है तो वो भी आप मीडियम पर सेट करके खेल सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, हमने टेस्ट वगैरह किया था। लेकिन ओवरऑल अगर आप फोन देखते हो, सारे फीचर्स जोड़कर देखते हो, सैमसंग का फोन है तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैकेज है 13,000 में जिसको आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। फिर दोस्तों 13,500 रुपए में आता है Realme Narzo 30 4G। ये आपको 4GB RAM 64GB में मिलता है, इसके हाइयर वेरिएंट्स भी आपको मिलेंगे। और इसमें दोस्तों आपको सबसे पहली चीज, मैंने इसलिए इसको चूज किया कि इस प्राइस पर आपको मिलता है MediaTek Helio G95। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेमिंग चिपसेट है, अगर आपको परफॉर्मेंस बेटर चाहिए गेमिंग में तो आप इस वाले फोन को इस प्राइस पर कंसिडर कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें आपको सॉफ्टवेयर भी अच्छा है, Realme UI 2 वगैरह चलता है। देखिए मैंने पहले भी कहा, अभी भी कहता हूँ, कलर OS हो या Realme हो, इनके सॉफ्टवेयर में कोई ज़्यादा इश्यूज नहीं होते, तो मैं पहले अगर स्टॉक रख लूँ फिर ऑक्सीजन OS रख लूँ तो तीसरे पर मैं इनको रखूंगा। डिस्प्ले भी अच्छी है, 6.5 इंच की फुल HD प्लस वाली एक IPS डिस्प्ले, लेकिन 90Hz रिफ्रेश रेट दिया है और 580 nits की आपको पीक ब्राइटनेस पे मिलती है। डिस्प्ले क्वाइट ब्राइट है, मतलब मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस, और इंडोर में भी दोस्तों अगर आप यूज करते हो तो हाँ, आपका एक्सपीरियंस वहां पर अच्छा होगा। उसी के साथ कैमरा डिसेंट है, 48 MP रियर कैमरा है और 16 MP सेल्फी है। मैंने पहले भी बोला था, अभी भी बोलता हूं, Realme के फोन्स में कैमरा बजट में ना ठीक होते हैं, अगर उनको मतलब थोड़ा ऑप्टिमाइज करना चाहिए और फ्यूचर में अगर इंप्रूव करते कैमरा तो बढ़िया होगा, तो इसमें कैमरा का एक्सपीरियंस आपका ठीक होगा। और साथ में बैटरी अच्छी है, 5000 mAh की आपको बैटरी मिल जाती है और 30W आपको चार्जिंग मिलती है, तो बैटरी भी अच्छी है और चार्जिंग भी आपको अच्छी मिलती है, 1 घंटे में आपका फोन फुल चार्ज भी हो जाएगा। और उसी के अलावा दोस्तों साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर वगैरह है, अब दिखने में भी थोड़े ठीक है। बाकी ओवरऑल दोस्तों मुझे लगता है कि 13,500 में अगर आपको बढ़िया परफॉर्मेंस चाहिए, बढ़िया बैटरी और अच्छी डिस्प्ले चाहिए तो आप इसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। और फाइनल दोस्तों, हमेशा की तरह हम इसको भूल नहीं सकते, मैं बात कर रहा हूँ Motorola G40 Fusion की। ये आपको 14,500 का मिलता है, 4GB RAM, 64GB स्टोरेज। वैसे आपको बता दूँ, जितने भी फोन्स बताया हो ना, अगर आप इनको थोड़ा ऑफर वगैरह पर भी ट्राई करते ना तो इनकी प्राइस और भी नीचे आ जाएगी। तो जो प्राइस मैं आपको बोल रहा हूँ वो तो है, लेकिन
आपके ऊपर है कि आप इसको किस प्राइस पर परचेज करते हैं, तो और भी आपका फायदा हो जाएगा। अब ये वाला फोन दोस्तों, सबसे पहली चीज, स्टॉक एंड्रॉइड मिलता है, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस एकदम कमाल का होगा, कोई एड्स नहीं, कोई ब्लोटवेयर नहीं, कुछ नहीं। तो ये एक पहली चीज है जिस वजह से मैंने इस फोन को उठाया। उसके साथ साथ दोस्तों आपको बड़ी डिस्प्ले 6.78 इंच की फुल एचडी प्लस वाली एक आईपीएस डिस्प्ले, और यहां पर 120 हर्ट्ज आपको रिफ्रेश रेट मिलता है। डिस्प्ले एक्सपीरियंस कमाल है, आपको जो एक्सपीरियंस होगा जब भी आप वीडियोस वगैरह देखेंगे बड़ा मजा आएगा। परफॉर्मेंस टॉप नॉच है, इस प्राइस पर ये पहला फोन है जो आपको Qualcomm Snapdragon 732G के साथ मिलता है। गेमिंग एकदम कमाल की होगी, सारे गेम्स आप हाई ग्राफिक्स पर सेट करके खेल लो, ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने टेस्ट किया है, तो चिपसेट एकदम किलर है। उसी के साथ बैटरी भी बढ़िया है, 6000 mAh की आपको बैटरी मिल जाती है, और साथ में 20W टर्बो चार्जर वगैरह भी उन्होंने दिया है। चार्जिंग को साइड में रख लो, लेकिन जो बैटरी है वो बहुत अच्छी चलती है, स्टॉक एंड्रॉइड है, वो सब कुछ जोड़कर बोल रहा हूं, बैकअप आपको यहां पर काफी अच्छा मिलेगा। वैसे उसी के साथ आपको कैमरा भी अच्छा है, यहां पर भी कोई कंजूसी नहीं है, 64 MP आपको रियर कैमरा मिलता है, और उसी के साथ आपको 16 MP सेल्फी मिलती है। देखिए, अगर सैमसंग के बाद मुझे कोई दूसरा फोन चूज करना हो अंडर 15,000 कैमरे के मामले में, तो मैं मोटोरोला के फोन्स को चूज करूंगा, और G40 फ्यूजन उनमें से एक है, क्योंकि कैमरा इनका अच्छा होता है, ऑप्टिमाइजेशन बढ़िया होती है, तो आप अच्छे फोटोज यहां पर प्राइस पर ले सकते हैं, और ओवरऑल आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर वगैरह और बाकी तो सब कुछ ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये जो तीनों फोन्स मैंने आपको दोस्तों बताया हूं अंडर 15,000, बड़े सोच समझ के मैंने उनको उठाया हूं। वैसे तो बहुत फोन्स है, इन्फिनिक्स का है, रेडमी के है वगैरह, आप उनको भी देख सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये तीन फोन्स बढ़िया रहेंगे। तो इतना ही दोस्तों इस वीडियो के अंदर, ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए हर महीने लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आएगी लाइक करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।